देखिए ये जब आउट हो जाते हैं तो बॉकडाउन नहीं करना है कि 450 रन बन गए हैं, क्योंकि शुभमन गिल अच्छी फॉर्म में है, विराट कोहली अच्छी फॉर्म में नजर आए थे आईपीएल में। ये पिच शायद इंग्लैंड में सबसे बढ़िया पिच है जिसपे बल्लेबाजी जो है बेटर होगी। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई बल्लेबाजी में दिक्कत आने वाली है, और आज का दिन अच्छा बनाने में वो पूरे के पूरे बॉलर जो हैं अपनी जान फूंक दें और उसके बाद बल्लेबाजी आई तो फिर चक दे फटे कर दो। नमस्कार, सत श्री अकाल, लंदन से मैं फिर जुड़ गया हूँ आपके साथ। आज मैच की बात करेंगे WTC के फाइनल में। सिर्फ और सिर्फ टॉस भारत ने जीता, पर उसके बाद कोई भी सत्र जो है वो भारत ने नहीं जीता है। एक भी सेशन में ऐसा लगा नहीं कि भारत ने पकड़ बनाई हो अपने इस मैच में। देखिए टॉस जीता और बहुत ओवरकास्ट कंडीशन थी और चार सीमर के साथ भारत खेल रहा था। जब चार सीमर का मतलब कि आपको पता है कि विकेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रास है, बट जो कंडीशंस थी, कंडीशंस के लिहाज से चुनाव टीम का बिल्कुल सही, पर देखिए गेंदबाजी ऐसी हुई नहीं। जो लाइन थी वो भी बाहर होती गई और लेंथ तो बहुत ही पीछे होती गई। देखिए ऐसी कंडीशन में आपको बतौर गेंदबाज सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होता है कि लेंथ आगे रखिए। चैलेंजिंग तब होता है जब आप बल्लेबाज को ड्राइव करवाते हो, ड्राइव ज़्यादा करवाए नहीं। जो लेंथ अगर हम बात करें तो वो 6 से 8 मीटर हम देखते हैं कि वो रखी जाती है, अच्छी टेस्ट क्रिकेट की लेंथ उसको मानते हैं। बट ये कंडीशंस में देखिए जहाँ पे ड्राइव करवाना होता है वो लेंथ थोड़ी सी आगे हो जाती है, वो 5 मीटर पे हो जाती है, जो भारतीय गेंदबाजों ने किया नहीं। ड्राइव पे रन नहीं बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। सारी जो गेंदबाजी हुई वो ऐसी गेंदबाजी हुई कि जितने बल्लेबाज थे वो पीछे खड़े होकर खेलते रहे, और जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया देखिए वार्नर ने। वो गेंदें जो छोड़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, अगर ड्राइव लगवाते तो पैर आगे निकालना पड़ता है। जब पैर आगे निकालना पड़ता है तब गलती होती है, वो करवाया नहीं भारत के गेंदबाजों ने। नए बॉल का इस्तेमाल सही नहीं हुआ, हालांकि बहुत कैरी दिखा कि बॉल कीपर पीछे पकड़ रहा है और बहुत तेज़ी से गेंद जो है वो बीट कर रहा है बल्ले को, पर नहीं, उसका सिर्फ आवाज़ ही होती है, उसमें आउट नहीं होता है। आउट आगे से होता है, ड्राइव करवाएंगे तो फिर आउट होगा। वहाँ गलती हुई भारतीय गेंदबाजों से, और एक से नहीं चारों गेंदबाजों ने तकरीबन ऐसी ही गेंदबाजी करी। और वहाँ एक समय था जब 72 पे 3 विकेट थे ऑस्ट्रेलिया के, तब लग रहा था कि भारत ने पकड़ बना ली है, पर उसके बाद जब ट्रेविस हेड आए वो सरदर्द बन गए, हेड जो है वो सरदर्द बन गए भारत के लिए। और उन्हें बल्लेबाजी जो की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, अपने अंदाज में बल्लेबाजी की, जो ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है जिसके लिए, वो काउंटर अटैक किया। और इस पिच के ऊपर काउंटर अटैक इस लिहाज का होना, ये देखिए चांस बनता था वहाँ कि उनको अगर ड्राइव खिलाते, आगे खिलाते तो वो आउट हो सकते थे। उनको शुरू में बाउंसर नहीं किया, जो बाउंसर उनकी कमजोरी है। पिछले 6 बार अगर बात करें उनकी तो बाउंसर पे आउट हुए हैं, बाउंसर उनको किया ही नहीं। जब 90 पे पहुंच गए वो, तब जाके वो बाउंसर करना शुरू किया। देखिए जो टेक्टिकल चीज़ें थी, ये जो प्लानिंग थी कि किस बल्लेबाज को कहाँ बॉल खिलाना है, वो शायद प्लान तो किया होगा बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। चाहे वो शामी की बात करें, सिराज की बात करें, या फिर शार्दुल, और फिर जितने भी गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी है, तो पहला दिन निराशाजनक दिन रहा है। देखिए स्टीव स्मिथ ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, पर अब भारत को वापसी करनी है इस मैच में। अगर भारत को वापसी करनी है तो क्या करना होगा? देखिए कल लेंथ आगे रखनी होगी, लेंथ ऐसी आगे रखनी होगी कि जिसपे बल्लेबाज आगे आए, ड्राइव करे। अगर ड्राइव नहीं करवाएंगे इस पिच पे तो फिर मुश्किल है। जिमी एंडरसन की बात करें या फिर ब्रॉड की बात करें, तो वो यहाँ पे कैसे विकेट लेते हैं भाई? ड्राइव करवाते हैं, बोल्ड LBW, कॉट बिहाइंड, कॉट इन द स्लिप, वो जो है वो आपको उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि बाउंसर पे या फिर पीछे से यहाँ पे कोई आउट नहीं होता है, सिर्फ आवाज़ ही आती है। और वो पब्लिक को बहुत अच्छा लगता है कि ये आवाज़ आई, पर अभी भी ट्रेविस हेड वहाँ पे मौजूद हैं, स्मिथ वहाँ मौजूद है, ग्रीन्स ने अभी आना है। बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की ठीक ठाक पड़ी हुई है और भारत थोड़ा सा पीछे है इस गेम में। वापसी करनी होगी अच्छी गेंदबाजी करके, आगे रखिए गेंद, स्विंग कराइए, नया गेंद है और नए गेंद को मेक इट काउंट। और दूसरा जो पॉइंट मैं कहूँगा कि देखिए थोड़ा सा जड्डू के ऊपर और ट्रस्ट करिए। जडेजा को आज ज़्यादा गेंदबाजी करवाई जा सकती थी, वो भी नहीं करवाई गई। और तीसरी बात, देखिए ये जब आउट हो जाते हैं तो बॉकडाउन नहीं करना है कि 450 रन बन गए हैं, इफ़ दे कैन यू कैन, और उस लिहाज से आगे बढ़ना है इस गेम में, क्योंकि शुभमन गिल अच्छी फॉर्म में है, विराट कोहली अच्छी फॉर्म में नज़र आए थे IPL में। अब कप्तान अगर सामने से लीड करे, रन बनाए, तो फिर ये पिच शायद इंग्लैंड में सबसे बढ़िया पिच है जिसपे बल्लेबाजी जो है बेटर होगी। मौसम खुल चुका है, आप मेरे पीछे धूप देख रहे हैं और कोई बादलों के संकेत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई बल्लेबाजी में दिक्कत आने वाली है। अब गेंदबाजी में
आज सुधार ये करना है कि आउट करना है, 450 के नीचे रोकने का प्रयास करिए, कोशिश करिए कि अगर 450 के नीचे रन रुक गए तो फिर मुझे लगता है कि बल्लेबाजी अच्छी करें, पहली इनिंग बराबर की खेलें तो फिर गेम ऑन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत का आज का दिन अच्छा जाए, भूल जाइए पीछे क्या हुआ, और आज का दिन अच्छा बनाने में वो पूरे के पूरे बॉलर जो हैं अपनी जान फूंक दें, और उसके बाद बल्लेबाजी आई तो फिर चकदे फटे कर दो। चलो मिल रहे हैं आज मैच के बाद, फिर टिल देन टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय फ्रॉम मी।